Good morning, students. Today we are going to discuss the mood stabilizer drugs. First of all, discuss about lithium. Mood stabilizing drugs, lithium. Most commonly, three type ki mood stabilizing drugs hai. First of all, lithium, then carbamazepine, then sodium valproate. ये बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट तीन ड्रग्स हैं जिनके बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन लेते हैं लीथियम. लीथियम के काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं. इसकी क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेज की रहेगी इन ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लीथियम मेडिसिन. सो सारा का सारा अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज लीथियम. लीथियम इट्स ए एलिमेंट. ये एक तत्व है जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली इन मेनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको काम में लिया जाएगा. चॉइस ऑफ ड्रग्स है. लीथियम इट्स ए एलिमेंट. इट्स एटोमिक नंबर इज 3. Then atomic weight is 7. इसका जो atomic weight है वो 7 है. And atomic number is 3. And it is discovered by F.J. Cade in 1949 के अंदर F.J. Cade ने इसको discover किया. Then most commonly used in the mania के अंदर काफी ज़्यादा ये use में ली जाती है. Next अपन बात करते हैं indication. क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स के अंदर इसको काम में लिया जाता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशन के अंदर देखते हैं अक्यूट मेनिया के अंदर, देन प्रोफाइलेक्सिस और बाइपोलर एंड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स, देन सिजोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स, देन इम्पल्सिविटी एंड एग्रेशन के अंदर काम में लेते हैं, देन अदर डिसऑर्डर लाइक प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एपिसोड्स ऑफ बींग ड्रिंकिंग, क्लस्टर हेडेक और प्रोफाइलेक्टिक, और इन सब चीज़ों के अंदर ये जो इंडिकेशन है इन सब के अंदर जो लीथियम है इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है. सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द लीथियम. लीथियम की क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा लेवल 2 to 4 hours. जो उसका जो प्लाज्मा के साथ बाइंड अप होना है ये पीक लेवल के ऊपर पहुंच जाता है 2 to 4 hours के अंदर. काफ़ी रैपिडली ये बाइंड अप होता है प्लाज्मा के साथ, 2 से 4 घंटे के अंदर ही इससे बाइंड हो जाता है. नेक्स्ट ये जो है रैपिड डिस्ट्रीब्यूट इन लीवर एंड किडनी एंड लीवर के अंदर रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है. देन स्लोली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मसल्स ब्रेन एंड बोन. मसल्स में ब्रेन में और बोन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होता है. देन स्टेडी स्टेट लेवल इन 7 days. जो इसका जो स्टेडी स्थिरता का जो लेवल है, ये ड्रग है जो एक स्थिर लेवल के ऊपर 7 दिनों के अंदर पहुंचती है. सो इसका स्टेडी स्टेट लेवल 7 days है. देन इलिमिनेशन बाय द किडनी बट रीअब्सॉर्ब बाय द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स. जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर, किडनी की जो संरचना है उसके अंदर, उनके द्वारा ये वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है. Then, जब इसका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है बाई दी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, तो ये सोडियम के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रखता है. इसका जो लीथियम का अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में और याद में रखने की चीज़ है वो है इसका सोडियम के साथ रिलेशन. लीथियम का सोडियम के साथ रिलेशन इसके अंदर अपन इस तरह से समझेंगे. अगर किसी पर्सन का सोडियम का लेवल है जो इम्बैलेंस होता है, तो
तो वो इम्बैलेंस क्या कर सकता है, लिथियम को भी इम्बैलेंस कर सकता है या लिथियम की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, तो लिथियम का लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। और पाइड में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो लिथियम का लेवल भी कम हो जाएगा। सोडियम मतलब सॉल्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी ड्यूरिंग द टेकिंग लिथियम। लिथियम अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा सोडियम कब और वो कैसे लेता है। अगर सोडियम ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है तो उसके अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है जो लिथियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर देखते हैं इट्स इंक्रीज प्री साइनेप्टिक री अपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटेकोलामाइंस। इट इंक्रीज प्री साइनेप्टिक री अपटेक, प्री साइनेप्टिक जो री अपटेक है, कल ही अपन ने देखा था प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि जो नर्व ट्रांसमिशन है न्यूरो ट्रांसमिशन है उसके अंदर प्री साइनेप्टिक होता है पोस्ट साइनेप्टिक होता है। प्री साइनेप्टिक के अंदर जो वेसिकल्स है वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर है कैटेकोलामिन्स है नॉरएपिनेफ्रिन्स है फॉर एग्जाम्पल सीरोटोनिन्स है इनको रिलीज करते हैं। तो ये क्या करता है प्री साइनेप्टिक के अंदर प्री साइनेप्टिक का जो री अपटेक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का उसको ये क्या कर देता है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव कर देता है, इंक्रीज कर देता है, री अपटेक काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटेकोलामिन्स, कैटेकोलामिन्स क्या हो गए नॉरएड्रेनालिन ये हो गए नॉरएपिनेफ्रिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनको बोलते हैं कैटेकोलामिन्स, तो इनका डिस्ट्रक्शन भी लिथियम के थ्रू कर दिया जाता है। एंड सेकेंड इनहिबिट रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन एट साइनेप्स, साइनेप्स के अंदर जो रिलीज है कैटेकोलामाइन्स का उनको उस रिलीज को भी डिक्रीज कर दिया जाता है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है बाय द लिथियम। देन डिक्रीज पोस्ट साइनेप्टिक सीरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी, जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है जिसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं कौन से रिसेप्टर सीरोटोनिन रिसेप्टर, उन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है। उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के बाद में वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिशन या इम्पल्सिविटी नहीं होगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लिथियम। लिथियम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में अपन ने पढ़ा, एक बार दोबारा से इसको देखते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है री अपटेक ऑफ द कैटेकोलामिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैटेकोलामिन कर देता है, कैटेकोलामिन को डिस्ट्रक्ट कर देता है, उसका री अपटेक बढ़ा देता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये रिलीज है कैटेकोलामिन का वो भी इनहिबिट कर देता है। देन ये जो कैटेकोलामिन्स है जो रिसेप्टर साइट है सीरोटोनिन की जो रिसेप्टर साइट है उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लिथियम, ये लिथियम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट आती है डोजेस, डोजेस ऑफ द लिथियम। लिथियम की मोस्ट कॉमनली जो टैबलेट्स आती है वो आती है लिथियम कार्बोनेट 300 mg ये एक टैबलेट आती है और 400 mg की भी एक टैबलेट आती है वो सस्टेन रिलीज होती है ऐसा। देन लिथियम सिट्रेट की टैबलेट आती है 300 mg की पर 5 ml लिक्विड के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर वो आती है। जो इसकी टोटल क्वांटिटी होती है पर डे के अंदर वो 900 to 2100 mg होती है, जो टोटल डोज है 900 to 2100 mg पर डे। देन ब्लड लिथियम लेवल, व्हाट इज द ब्लड लिथियम लेवल, ब्लड का जो लेवल होता है लिथियम के अंदर उसके बारे में अपन देखेंगे कि कितना लेवल होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन जो ब्लड लिथियम लेवल है जो थेरा
जो ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल है वो तीन तरह से देखते हैं अपन, थेराप्यूटिक, प्रोफाइलेक्टिक और टॉक्सिक। अब इन तीनों लेवल के बारे में अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थेराप्यूटिक के अंदर अपन देखते हैं 0.8 to 1.2 मिली इक्विलेंट पर लीटर, मिली इक्विलेंट पर लीटर जो थेराप्यूटिक ब्लड लिथियम का जो लेवल है वो होता है 0.8 to 1.2 मिली इक्विलेंट पर लीटर। देन प्रोफाइलेक्टिक जो लेवल है वो होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विलेंट पर लीटर। एंड जो टॉक्सिक लेवल होता है मोर देन 2.0 मिली इक्विलेंट पर लीटर। सो दिस इज द ब्लड लिथियम लेवल, ये ब्लड का लिथियम लेवल है। और इस लेवल को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी लेवल का मेजरमेंट करके अपन इसकी जो टॉक्सिसिटी हो रही है उसका अपन ध्यान रख सकते हैं, उससे पेशेंट को बचा सकते हैं। सो बेसिकली जो इसका जो थेराप्यूटिक लेवल है, जो ट्रीटमेंट करने का जो लेवल है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका जो लेवल रहेगा 0.8 to 1.2 मिली इक्विलेंट पर लीटर। और प्रोफाइलेक्टिक मतलब प्रिवेंट करना है मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स को, तो उसके अंदर जो रहेगा 0.6 to 1.2 मिली इक्विलेंट पर लीटर। टॉक्सिक इफेक्ट रहेगा 2.0 मिली इक्विलेंट पर लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइड इफेक्ट्स ऑफ दी लिथियम। लिथियम के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम के साइड इफेक्ट्स के अंदर आता है न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, रीनल साइड इफेक्ट्स, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स और लिथियम टॉक्सिसिटी। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ट्रेमर्स, मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, देन रेजिडिटी, सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी। देन रीनल के अंदर पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ट्यूबुलर एनलार्जमेंट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन कार्डियोवास्कुलर के अंदर टी वेव का जो ईसीजी होती है उसके अंदर टी वेव का डिप्रेशन हो जाता है इन दी ईसीजी। देन एंडोक्राइन के अंदर एबनॉर्मल थायरॉयड फंक्शन देखने को मिलता है, जो थायरॉयड के जो फंक्शन है वो कम हो जाते हैं टेकिंग ड्यूरिंग द लिथियम। लिथियम जब कोई ले रहा है तो थायरॉयड्स के फंक्शन को भी ये क्या करती है, डिप्रेस करती है। देन इसके प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी और लैक्टेशन से रिलेटेड भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के अंदर भी इसके साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिलते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई लेडीज है जो लिथियम ले रही है तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का डिफॉर्मिटी हो सकती है जो बच्चे के अंदर हो सकती है, एबिस्टियन एनोमली बोलते हैं इसको, एबिस्टियन एनोमली। इस एबिस्टियन एनोमलीज के अंदर क्या होता है, जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एंट्री एट्रियम है, जिन राइट एट्रियम एपिस्टियन एनोमली, एपिस्टियन एनोमली के अंदर क्या होता है, जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है जिनके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, उस ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है जिससे क्या होता है, वेंट्रिकल का जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो हो जाता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर वापस वो बैक फ्लो होने लगता है। तो इसको बोलते हैं अपन एपिस्टियन एनोमली लिथियम के कारण हो सकती है जो प्रेग्नेंट लेडीज है। और लैक्टेशन जो मदर कर रही है, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अगर कोई लेडीज है वो लिथियम यूज कर रही है तो लैक्टेशन के अंदर जो सिक्रीट कर रही है मिल्क, उस मिल्क के अंदर भी जो
लीथियम है उसकी क्वांटिटी होगी, और जो ब्रेस्ट फीड जो बच्चे को कर रही है उसके अंदर लीथियम टॉक्सिसिटी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ द लीथियम, ये लीथियम के साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द लीथियम, लीथियम को किस तरह से मैनेज करेंगे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यू, अगर आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो आप हाथों हाथ उस जो मेडिसिन है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। देन शॉर्ट टर्म इंजेक्शन, अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने ले लिया हो, इंजेस्ट कर लिया हो, तो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, एज सून एज पॉसिबल उसका वॉमिटिंग उसको करवाएंगे, गैस्ट्रिक लवाज करवाएंगे या एक्टिवेटेड चारकोल देंगे जिससे वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। देन अगर किसी के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो ले सकता है फ्लूड लेने के लिए बोलेंगे। देन असेस करेंगे सीरम लिथियम लेवल असेस करेंगे, देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल असेस करेंगे, रिनल फंक्शन है जो असेस करेंगे, देन ईसीजी एंड नो डाउन करेंगे कि जो टी वेव है उसका डिप्रेशन हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एज सून एज पॉसिबल करेंगे ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सकें कि टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही, लिथियम के कारण टॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं हो रही। देन अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द लिथियम और लिथियम मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर जो लिथियम है उसके कारण कौन कौन से किन किन डिजीज के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक डिसऑर्डर्स के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रिनल के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, थायराइड के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, देन न्यूरोलॉजिकल्स डिसऑर्डर है उनके अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ब्लड डिस्क्रेजिया के अंदर भी, देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, देन सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर, देन हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर और सीजर्स किसी को आ रहे हैं तो उसके अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द लिथियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल टेकिंग रिसीविंग लिथियम ड्रग बाई ए पेशेंट। ऐसा कोई पेशेंट जो लिथियम ले रहा है तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं प्री लिथियम वर्कअप, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है फर्स्ट ऑफ प्री प्री लिथियम वर्कअप में क्या करेंगे, जितना भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करेंगे, जितने भी उसके वाइटल साइंस है वो सारे के सारे अपन चेक करेंगे, उसकी ईसीजी अपन चेक करेंगे, उसकी टीसी एंड ईसीबी चेक करेंगे। टीसी व्हाट इज टीसी, टीसी इज टोटल काउंट एंड डीसी इज डिफरेंशियल काउंट। टोटल काउंट मींस जो डब्ल्यूबीसी का जो टोटल काउंट है वो इसके अंदर मेजरमेंट करते हैं, डीसी के अंदर डिफरेंशियल काउंट मतलब टाइप्स ऑफ द डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स है वो इसके अंदर काउंट किया जाता है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, देन वन फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी चेक करेंगे, देन क्रिएटिनिन कितना आ रहा है वो भी चेक करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, देन यूरिन एग्जामिन करेंगे उसका, रीनल फंक्शन चेक करेंगे, देन कॉम्प्रोमाइज किडनी फंक्शन, अगर कोई पेशेंट जिस जो कॉम्प्रोमाइज किडनीज का है तो उसका भी असेसमेंट करेंगे, और थायरॉयड ग्लैंड का असेसमेंट करेंगे। थायरॉयड ग्लैंड का असेसमेंट करना और किडनीज का कॉम्प्रोमाइज किडनी का असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है जो लिथियम ले रहा है तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा लोड डालती है किडनी एंड थायरॉयड के अंदर, ये थायरॉयड की जो फंक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, तो थायरॉयड के फंक्शन है उनको कंटिन्यूसली अपने को चेकअप करते रहना है। सर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्कअप रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन टू एक्टिव द थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट लिथियम
टॉक्सिसिटी। लीथियम की जो टॉक्सिसिटी है उसको प्रिवेंट किस तरह से अपन कर सकते हैं? सो लीथियम की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ड्रग मेडिसिन ले रहा है वो जिस टाइम ले रहा है उसी सेम टाइम एक फिक्स टाइम में मेडिसिन को लेना है। बिकॉज अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल एक डोज लेने के बाद सेकेंड डोज या थर्ड डोज कुछ भी डोज है, एक डोज उसकी स्किप हो जाती है और वो डबल डोज ले लेता है उसी की जगह, मतलब कोई डोज स्किप हो गई और उसकी जगह उसने डबल डोज ले ली, तो उसके कारण लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो लिथियम टॉक्सिसिटी से बचाने के लिए अपन उसका एक टाइमिंग है जो फिक्स रखेंगे। अगर कोई डोज फिक्स हो भी गई तो एक पूरा का पूरा शेड्यूल बना हुआ रहता है कि जो डोजेज हैं वो इस टाइमिंग के दौरान लेनी है, तो सेकंड नेक्स्ट डोज का जो टाइम आएगा उसी दौरान नेक्स्ट मेडिसिन है जो लेनी है, ना कि इन बिटवीन द कोई भी रैंडमली टाइम अपन जो लिथियम की डोज है वो नहीं ले सकते। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्हेन स्टार्टेड, जब ये अपन स्टार्ट करते हैं तो फाइन हैंड ट्रेमर, हाथों के अंदर कुछ फाइन ट्रेमर शो होते हैं, देन थ्रस्ट है इंक्रीज हो जाती है और यूरिनेशन काफ़ी बढ़ जाता है, पोलीविरिया हो जाता है, नोजिया एंड एनाफिलेक्सिया के सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं। सो दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ द लिथियम, बट नॉट द टॉक्सिसिटी फीचर्स। ये टॉक्सिसिटी के कोई फीचर्स नहीं है, ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं जो काफ़ी लोगों के अंदर शो होते हैं। और सीरियस इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है एक्सेसिव अगर वॉमिटिंग हो रही है, एक्सट्रीम हैंड ट्रेमर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैंड्स के अंदर ट्रेमर हो रहा है, सिडेशन हो रहा है, मसल वीकनेस हो रही है, वर्टिगो हो रहा है, नोटिफाई दी फिजिशियन इफ दीज सिम्टम्स आर अपीयर, नोटिफाई दी साइकेट्रिस्ट और फिजिशियन। अगर ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं तो हाथों हाथ मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करेंगे और साइकेट्रिस्ट को फिजिशियन को से साथ अपन कंसल्ट करेंगे। देन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इनफ वाटर है वो उसके लिए एनकरेज करेंगे। अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अपन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर हैवी वर्क उसको करना पड़ता है, फिजिकली वर्क उसको करना पड़ता है, उसको स्वेटिंग वगैरह ज़्यादा आती है, तो उसको अपने को ऐसा बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी और उसके साथ साल्ट ऐड करके वो लें ताकि उसके अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी नहीं हो। क्योंकि अगर कोई पर्सन है उसके अंदर उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसके अंदर बॉडी से सॉल्ट है जो सोडियम है वो डिप्लीट हो रहा है, और जब अपने देखा था सोडियम जब डिप्लीट होता है तो लीथियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सो सोडियम का जो लेवल है अपने को डिप्लीट नहीं होने देना है और जो लीथियम का लेवल बैलेंस रखना है, टॉक्सिसिटी नहीं होने देनी है, तो इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। और कोई भी नेक्स्ट डोज देने से पहले, नेक्स्ट डोज ऑफ द लीथियम देने से पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डोज ली थी उसके 12 से 14 घंटे के बाद में अपने को सीरम लीथियम लेवल हमेशा चेक कर लेना चाहिए। सो अपन मेजरमेंट कर सकें ये टॉक्सिक लेवल के ऊपर तो नहीं पहुंच गई है, थेराप्यूटिक लेवल के अंदर ही है या प्रोफाइलेक्टिक लेवल के अंदर ही है। अगर ये 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में ही है, सो दिस इज इन द थेराप्यूटिक रेंज। अगर इससे ज़्यादा चली गई है तो टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर पहुंच गई है। जो नेक्स्ट डोज होती है वो प्रीवियस डोज के 12 से 14 घंटे के बाद अपने को सीरम लिथियम लेवल है जो कंटिन्यूसली पेशेंट का चेक करना चाहिए ताकि उसके अंदर टॉक्सिसिटी ना हो। सो वी आर कंप्लीट द लिथियम और मूड स्टेबलाइजर ड्रग। अगेन वी आर समराइज इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल
मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स लिथियम और कार्बामेजिपिन और सोडियम वेलप्रोएन, ये कुछ ड्रग्स हैं जो मूड स्टेबलाइजर हैं। उनका काम होता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स को मेंटेन करना के ट्रीटमेंट के लिए। जो लिथियम है बेसिकली मीनिया के अंदर काम में ली जाती है और इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन अपन ने डिस्कस करी ली। फिर बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ये प्लाज्मा के साथ बाइंड अप होती है, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है और ये जो किडनी की जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स है उनके थ्रू वापस रीअब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो इसके अंदर अपने बेसिकली ध्यान में ये रखना है जो सोडियम का जो लेवल है वो बैलेंस रहे, और सोडियम का लेवल जब बैलेंस रहेगा तब क्या होगा, लिथियम का लेवल भी बैलेंस रहेगा। फिर अपन ने बात की कि इसके साइड इफेक्ट है काफ़ी, न्यूरोलॉजिकल, प्रेगनेंसी के अंदर, लैक्टेशन के अंदर, कार्डियोवास्कुलर काफ़ी ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट है, वो सब अपने को ध्यान में रखने हैं। इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा तो इन सब बातों के बारे में अपन ने बात कर ली। कौन कौन सी डिजीज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो भी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर और काफ़ी और चीज़ों के अंदर भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अपन ने देखा कि कौन कौन सी सावधानियां या कौन कौन से, जैसे WBC चेक करना, TCDC चेक करना, BCG चेक करना, ये सारी की सारी चीज़ें अपने को नोट डाउन रखनी है। और जो लिथियम का जो लेवल है वो पेशेंट का फर्स्ट डोज के 12 से 13 घंटे बाद में जो लिथियम का लेवल है, सीरम लिथियम लेवल है, वो अपने को चेक करना है। देन उस भी उसके अंदर साइड इफेक्ट अपीयर हो रहे हैं तो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड के लिए उसको एनकरेज करना है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, पोली यूरिया होता है, पोली यूरिया से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, लिथियम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच।